दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि विंटर में हमारी स्किन ड्राई ना हो उसको हम अच्छे से कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या क्या हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, पानी कैसा यूज़ करना चाहिए, हमें सोप यूज़ करना चाहिए या नहीं, या फिर किस टाइप का ये सोप हमें यूज़ करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम नहाते हैं, नहाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा पानी कैसा है, पानी कितने टाइम के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, नहाने की टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो नहाते समय हमें ध्यान रखना है कि पानी ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। हमें आदत रहती है कि हमें स्टीम बाथ लेते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं तो हम बहुत टाइम लेते हैं, कम से कम आधा घंटा, कभी कभी एक घंटा भी हम बाथ लेते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन के ऊपर जो एक ऑयली लेयर रहता है वो कम होने लगता है। तो हमें टाइमिंग कम करना चाहिए, 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाथ लेना है, और बाथिंग के टाइम हमें ल्यूकवार्म वाटर से ही हमें बाथ लेना है। अभी पानी के साथ हमें सोप कौन सा यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले हमें सोप का यूज़ एकदम मिनिमाइज़ करना चाहिए। सोप हमें चेहरे, सोप हमारे स्किन के ऊपर जो ऑयली स्किन का एक लेयर रहता है उसे भी कम करता है, और जो ड्राई और इरिटेटेड स्किन है वो उसको और एग्रीवेट करने लगता है, जिसके कारण हमें फिर इचीनेस, ऐसे प्रॉब्लम चालू हो सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग सोप रहते हैं, जैसे कि कुछ डव सोप है, ओले सोप है, या फिर कोई सोप फ्री क्लिनजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें से सीटाफिल क्लिनजर है जो कि हमें आसानी से मिल सकता है, ऑयल एटम एडी क्लिनजर है, मॉइस क्लिनजर है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मार्केट में मिल सकते हैं, उसको हम अच्छे से आसानी से यूज़ कर सकते हैं और हमारी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं। हम नहाने के बाद हमारी स्किन को ड्राई करने के लिए स्क्रबिंग ब्रशेस हैं, स्पॉन्ज हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसके कारण हमारी स्किन और ड्राई हो सकती है। तो आपको आपकी नहाने के बाद आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट टॉवल यूज़ करना चाहिए, बस उसको डैम्प करना चाहिए, हमारी स्किन के ऊपर टॉवल को रगड़ना नहीं है। रगड़ने से क्या होता है कि वो और ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। तो सॉफ्ट टॉवल लीजिए, जस्ट डैम्प कीजिए और क्लीन कीजिए, जिससे कि इरिटेशन कम हो सकता है और ड्राइनेस कम हो सकता है। अब नहाने के बाद तुरंत हमें एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। जब भी हम हैंड वॉश करें और नहाने के बाद तुरंत हम अच्छे से अगर मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं तो हमारे जो स्किन के ऊपर जो वाटर कंटेंट है वो अच्छे से वो वहाँ एब्जॉर्ब करने लगता है, और वो अच्छे से ड्राइनेस वो कम कर सकता है, और अपने स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर बना रहेगा और अपनी स्किन दिन भर अच्छे से मेंटेन रह सकती है। क्योंकि विंटर में वेदर देखा गया है कि विंटर में एकदम ठंडी हवा रहती है और जिसमें कि वाटर कंटेंट या फिर ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, तो फिर उस टाइप की जो विंटर की हवा है वो हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट है उसको अब्सॉर्ब कर सकती है, जिसके कारण हमारी स्किन और ड्राई होने लगती है। इसीलिए हमें ऐसे मॉइस्चराइज़र और जो मैंने बात समय करते समय पानी का जो कॉन्टैक्ट है उसको कम से कम करना चाहिए, और नहाने के तुरंत बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, जिसके कारण हमारे बॉडी का वाटर कंटेंट अच्छे से मेंटेन रहे। जो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, कई बार हम उसके साथ पेट्रोलियम जेली भी यूज़ करते हैं, और जो मॉइस्चराइज़र रहता है वो थिक रहता है। तो टू रिड्यूस द ग्रीजीनेस ऑफ दिस मॉइस्चराइज़र एंड अपने जो पेट्रोलियम जेली है, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रीम अपने हैंड में लेना है, पहले उसे अच्छे से रब करना है, उसके बाद हमारे अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाना है। अपने नाइदर अपने हैंड्स ना वो अफेक्टेड एरिया है वो ग्रीजी ना रहे वहाँ तक हमें वो अच्छे से अप्लाई करना है, उसके बाद उसका ग्रीजीनेस कम हो सकता है। जब भी हमें स्क्रैच हो, इचिंग हो, हमें एकदम अवॉइड करना है, कि नॉर्मली जो मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं, जो क्रीम्स लगाते हैं, उससे इचिंगनेस कम होने लगता है, लेकिन जब भी हमें इचिंगनेस हो तो उसके कम से कम हमें इच करना चाहिए, जिसके कारण उसमें इरिटेशन ना हो और ड्राइनेस ना ज़्यादा पड़े। कोल्ड पैक्स है और कॉम्प्रेक्स है, जब भी हमें इचिंगनेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इचिंग हमारे रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रैग्रेंस फ्री डिटर्जेंट्स हैं जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। सॉफ्टनर्स है जो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण हमारी जो कपड़े हैं उसके में हमारे स्किन के लिए वो इरिटेट बना सकती है। हमें विंटर में ऊल और उसके प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ऐसे वाले कपड़े कम से कम यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर कॉटन कपड़े हमें यूज़ करने चाहिए, जो ड्राई और इरिटेटेड स्किन रहती है उसमें कॉटन के कपड़े हम यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सकता है और ड्राई स्किन को ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा। तो ऊल वाले कपड़े हमें कम ही यूज़ करना चाहिए। कपड़े धोते समय फ्रेग्रेंस रिलेटेड जो डिटर्जेंट्स हैं वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। ये कुछ टिप्स मैंने बताए हैं जो कि आपको विंटर में ड्राई स्किन को अच्छे से इम्प्रूव करने में आपको हेल्प कर सकती है। आप अच्छे से इसे फॉलो कीजिए। आपको स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछिए, हमें पूरा ट्राई करेंगे वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।